वो कहती है जैसे ही मैं वहां पर निकली हूँ वो गाड़ी पे और वर्कर्स पे, अली अमीन साहब ने जब गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई तो वो उनको गुस्सा भी लगा, तो सारी रोड पे जाने लगे। तो उन्होंने, अब अगर आप अली अमीन से पूछें तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने इनको प्रोटेक्ट किया था। में ये बात आई कि खान साहब की तरफ से ये कह दिया गया है और लीडरशिप भी ये चाहती है, बल्कि बैरिस्टर सैफ ने ये बात कही कि हमारी खान साहब से बात हुई थी, संजानी के मकाम के ऊपर जो है वो धरना देने की बात हो गई थी। बैरिस्टर सैफ हैं, मुझे नहीं समझ आती कि किसकी जबान बोलते हैं बैरिस्टर सैफ, को किसने कहा था कि ये और गौहर साहब दूसरों का प्रेस मैसेज। तो ये अब आपने ये इनके बारे में भी, बैरिस्टर सैफ के बारे में भी आपने कहा कि आपको नहीं पता ये किसकी जबान बोल रहे हैं, अली जी मुझे अमीन पता है किसकी जबान बोल रहे हैं, वो पीटीआई की जबान हो या खान साहब। वो एक तो पहले जब कंटेनर था उसका जो स्पीकर है और माइक है, कहा गया कि जी वो खराब हो गया है, कहा उनको कि अगर आपने मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश की तो मैं दरवाजा खोल के गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। अब तो हो गया, वो आप कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है और उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी नहीं पता था। बुशरा इमरान की जो गाड़ी है उसकी तरफ भी जो है साहबा ने मुझे कल शाम को एक मैसेज किया था कि मुझे जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं, और अब उनको वहां से भी कहीं और मूव कर दिया गया है। और मैंने भी मैसेज किया है सलमान साहब को कि उनको कहाँ मूव किया गया, और मुझे भी पता नहीं है कि उनको नेक्स्ट। मरियम साहब, आपकी सारी इस गुफ्तगू से ये इंप्रेशन आ रहा है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर ये गलत है, कि जैसे बुशरा बीबी हफ्से बेजा में है अली अमीन गंडापुर के, क्या मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तहरीक इंसाफ के धरने के नाकाबिले यकीन हकायक सामने आ रहे हैं। धरना नाकाम क्यों हुआ, किसने आवाम को यकजा नहीं रखा और धरने को नाकाम करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? बुशरा बीबी की सिस्टर ने सब बता दिया। बुशरा बीबी को धरने से ज़बरदस्ती अली अमीन गंडापुर क्यों वापस लेकर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुशरा बीबी क्यों नहीं आई? सब हकीकत बुशरा बीबी की सिस्टर ने बता दी और बुशरा बीबी की सिस्टर ने उस चेहरे को भी बेनकाब किया जिसकी वजह से यह धरना नाकाम हुआ। आए पहले बुशरा बीबी की मंसूर अली खान के साथ गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस बार तफसील से बात करते हैं। आज कई घंटे के बाद ब्रीफली बुशरा खान से बात हुई, और वो जिन हालात में हुई मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इट वॉज आफ्टर मेनी आवर्स, कोई 12-13 घंटे मुसलसल कोशिशों के बाद और पीटीआई की लीडरशिप से रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हेल्प नहीं की उनसे बुशरा खान तक रीच करने पे। मेरी मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद कोई उनकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, और फिर मुझे अपने ओन पे एफर्ट करने पड़े और सॉर्ट ऑफ पता कराया कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि आ रही थी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, मुझे पता था कि बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगी क्योंकि रात को वहां से जब वो गई हैं तो उनको उनकी मर्जी के उनका जाने की वहां से जाने में उनकी मर्जी नहीं थी, वो एक अलग स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ठीक, मुझे पता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगी क्योंकि जब भी उनसे बात हुई थी तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और उनको तो ये भी पता नहीं था कि उस वक्त वो कहाँ पर है। तो द सिचुएशन वॉज नहीं वेरी ये सीरियस। आप अभी की बात करेंगे, अभी चंद घंटे पहले अगर जो आपका रहा हुआ है वो आप कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है और उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी नहीं पता था। नहीं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता था, उनको जब मेरी बात हुई उस वक्त मैंने उनको बताया कि वो किधर है, क्योंकि मैंने जब इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ कि वो मानसहरा में है तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो मानसहरा में है। मैं उन लोगों से रात से पूछ रही थी कि मुझे कह रहे हैं कि वो केपी के में, और वो सही है, तो मैंने उनसे बारह रिक्वेस्ट की कि अगर आप वो कहते हैं कि वो अपनी फ्री विल से गई हैं और तो उनके पास फोन होना चाहिए, तो आप मुझे आइदर वो फ्री विल से नहीं गई इसलिए उनके पास फोन नहीं है क्योंकि उन्होंने फैमिली में किसी से रब्ता नहीं किया, तो अगर वो फ्री विल से गई है तो ये कैसे हो सकता है कि वो इतने घंटे गुजर गए, उनको पता है कि कैसी सिचुएशन है, वो अपनी फैमिली में किसी से बात ना करें। तो मैंने इनको बारह कॉल्स की, मैसेजेस किए, फिर मुझे खुद ही अपने उन पर एफर्ट करनी पड़ी कि वो कहाँ ठहरी हैं, और उन तक मैंने थोड़ी रसाई एक्सेस हासिल की और मेरी ब्रीफली उनसे बात हुई, मैंने उनको सिचुएशन भी बताई क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया। वो एक तो पहले जब कंटेनर था उसका जो स्पीकर है और माइक है, कहा गया कि जी वो खराब हो गया है, उसके बाद कंटेनर का कहा गया कि जी जनरेटर जो है वो खराब हो गया है, तो सारी लाइट्स बंद हो गई, जनरेटर आगे चला गया। बुशरा साहिबा ने मुझे कल शाम को एक मैसेज किया था कि मुझे जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं, उस वक्त भी उनको लगा कि चाइना चौक में बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को खुद ही कहा कि मुझे डी चौक तक पहुंचना है, बस आप साइड से गाड़ी निकाल के आप आगे ले जाएं। जी जब वो डी चौक पर पहुंची तेज करके अपनी गाड़ी, तो उस वक्त जो है वहां पर अवाम थी, और उन्होंने कहा कि कुछ पीछे या साइड पर जो था वो अली अमीन साहब की गाड़ी थी और अवाम ने उनको घेरा हुआ था कि वो उनको कहीं जाने नहीं देंगे। जी वो कहती है जैसे ही मैं वहां पर निकली हूँ तो गाड़ी पे और वर्कर्स पे, तो बुशरा इमरान की जो गाड़ी है और वर्कर्स पे, उस पर वर्कर्स जो भागना शुरू हो गए, इन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने कहा पीछे मैंने जब देखा था, जब मैं चौक पहुंची थी कोई लीडरशिप पीछे नहीं थी, ठीक है काफी दूर दूर था, कोई लीडरशिप मेरे साथ नहीं आई थी, ठीक है मैं अकेली थी वहां पर। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये सब भाग रहे हैं, अकेले रह जाएंगे, इन्होंने कहा अली अमीन साहब को उनको गाड़ी में बिठा लो, ये ना हो ये भी चले जाए तो हम बिल्कुल अकेले रह जाए। ठीक है उस पर अली अमीन साहब उनके साथ गाड़ी में आके ड्राइवर की सीट पे आके बिल्कुल उन्होंने खुद ड्राइव करना शुरू किया, तो बुशरा अली ने उनको कहा कि जहां वर्कर्स हैं ज्यादा यहाँ से डिस्पर्स हो गए, जहां वर्कर्स हैं आप मुझे वहां ले जाएं क्योंकि मैं अच्छा वर्कर्स के साथ रहना चाहूंगा। ठीक है अली अमीन साहब ने जब गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई तो वो उनको गुस्सा भी उनको लगा, तो सारी रोड पे जाने लगे, तो उन्होंने कहा उनको कि अगर आपने मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश की तो मैं दरवाजा खोल के गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा यही इंस्ट्रक्शन है कि मुझे यहाँ रहना है, तो आप मुझे आगे, और गुस्सा भी दरवाजा खोल लिया, उन्होंने कहा मैं छलांग लगा दूंगी, आप गाड़ी रोक दें या मैं छलांग लगा दूंगी। गुस्सा कहती है कि जब मैं वहां से गाड़ी से मैंने दरवाजा खोल के मैं निकलने लगी हूँ तो वहां पर जो वर्कर्स है मुझे एहसास हुआ ये वर्कर्स नहीं है, ये प्लेन क्लॉथ में कोई और लोग हैं, और जैसे ही मैं निकली उन्होंने मेरे ऊपर कुछ लिक्विड, उन्होंने कहा आंसू गैस नहीं थी, कुछ और फेंका गाड़ी के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, जिससे बर्निंग सी उनको कहती है मुझे लगी, और मैं जो है दोबारा गाड़ी के अंदर बैठी।
और उसी वक्त किसी ने उनकी गाड़ी का टायर जो एक है चाकू या किसी चीज से उसको मारा। बहरहाल उन्होंने ड्राइवर को कहा, उससे पहले सब दूसरी साइड पर जा चुके थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। उसने कहा ड्राइवर को कि आप जहां पर अगले नेक्स्ट लोग हैं ये हमारे लोग नहीं है, आप मुझे वहां तक लेके जाए, वर्कर्स में लेकर जाए। ड्राइवर ने फिर गाड़ी चलाई, उसके बाद जो उनका टायर बस्ट हो गया क्योंकि वो टायर पंचर एक सिर्फ गाड़ी। एक सिर्फ सवाल यहाँ पे, ये सारा कुछ अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हो रहा है? ये चीज अली मीन साहब की मौजूदगी में हो रही है, उस वक्त तक अली मीन साहब गाड़ी में थे। ठीक है। फिर वो जब आगे उनका गाड़ी का टायर बिल्कुल थोड़ा वो चले क्योंकि बस्ट हो गया, फट गया बिल्कुल, तो उन्होंने उस वक्त अली मीन साहब की गाड़ी अपनी आगे पीछे, तो अली मीन साहब ने कहा कि गाड़ी हम चेंज कर देते हैं, ये गाड़ी अब नहीं चलेगी। तो ठीक है। उस पर उन्होंने गाड़ी चेंज की और वहां पर जो वर्कर से उन्होंने पूछा ज्यादा वर्कर किधर है, उन्होंने कहा कि वो जो डी वॉक्स है उस तरफ के जो है वो ज्यादा वर्कर है, वो उधर को निकले हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं इनको कहती रही गाड़ी रोके और उस गाड़ी का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था, अच्छा। कि मैं इनको कह रही थी कि मैं चालान लगा दूंगी लेकिन मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा था। और उन्होंने कहा कि उस वक्त तक जो गार्ड्स मेरे थे वो भी पीछे रह गए थे और जो लोग मेरे साथ थे गाड़ी के बाहर, आपने देखा ना अक्सर गार्ड्स होते हैं, कहती वो मेरे गार्ड्स नहीं थे, वो कोई और लोग थे और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि उसके बाद इन्होंने वहां से इतनी तेज गाड़ी भगाई है। और कहती है और गाड़ियां भी थी साथ में और वो जिस साइड पर मैं बैठी हुई थी वो बार बार उस साइड को आके टक्कर मारती थी वो गाड़ियां। कहती थी मैंने अली मीन साहब को कहा कि मेरी लाइफ को जो मर्जी डेंजर है, आप यकीन करें मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि आई विश कि मैं वहीं पर गोली खा के मर जाती। मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि नहीं निकलना चाहती थी मेरी, मैं आई विश कि मैं वहीं पे जो है गोली खा के मैं मर जाती बाकी शोधा के साथ। ये आज उन्होंने मुझे कहा, बड़ा मेरा दिल कटा। लेकिन वो कहती है कि मैं वहां से मुझे इस तरह इन्होंने बाहर निकाला, मैं बिल्कुल निकलना नहीं चाहती थी और मुझे बिल्कुल इन्होंने बताया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ पे मैं हूँ। और आप यकीन करिए जो बात मैंने उन तक जिस तरह मैंने बताई एक्सेस हासिल की मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैंने ये मुझे पार्टी ने एक्सेस नहीं दिलवाई, मैंने कई घंटे बाद अपनी स्ट्रगल से उन तक एक्सेस हासिल की। और अब उनको वहां से भी कहीं और मूव कर दिया गया है और मैंने भी मैसेज किया है सलमान साहब को कि उनको कहाँ मूव किया गया और मुझे भी पता नहीं है कि उनको नेक्स्ट कहाँ पे किया गया। आई डोंट नो कि ये क्या सब हुआ मुझे है। मुझे मरियम साहब आपकी सारी इस गुफ्तगू से ये इंप्रेशन आ रहा है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर ये गलत है, कि जैसे बुशरा बीबी हफ्से बेजा में है अली अमीन गंडापुर के, क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है या गलत है ये इंप्रेशन? मंसूर साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरों की इंटेंशंस और वो चीजें हमें पता नहीं होती, हम अपनी एक नजरिए से देख रहे होते हैं। अब अगर आप अली अमीन से पूछें तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने इनको प्रोटेक्ट किया था, चाहे ये वहां पे निकलना चाह रही थी लेकिन उनकी जान को खतरा था तो इस वजह से मैंने ही बेहतर समझा कि मैं इनको लेके निकल जाऊं क्योंकि कल को इमरान खान साहब मुझे पूछेंगे। तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। जी हाँ। बुशरा इमरान का पर्सपेक्टिव ये है कि वो वहां से नहीं जाना चाहती थी, उन्होंने तो जैसे कहा होता कि मैं आखिरी दम तक वहीं रहूंगी, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि मैं वहां रहना चाहती थी और इन लोगों ने इस तरह करके मुझे वहां से निकाला जो कि मेरी विल के अगेंस्ट था। तो अब वो विल के अगेंस्ट समटाइम्स वो कहते हैं कि जी विल के अगेंस्ट था, ये अपनी विल में जाके इनकी जान को खतरा था। तो ये अब अली अमीन साहब को आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा दूसरी बात आप ये देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइटल आ रहा था सुबह से वो आ रहा था बुशरा इमरान बुशरा बीबी और अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ। मैं उससे भी बड़ी हैरान थी क्योंकि मैंने कहा कि मुझे रात से बुशरा इमरान से बात करवा ही नहीं रहे। मुझे उसी वक्त शक था कि वो अपनी विल से नहीं गई क्योंकि वो अगर निकलती और वो केपी के पहुंच जाती तो वो फैमिली में किसी ना किसी को, बेटियों को, मुझे, भाभी, किसी ना किसी को तो जरूर मैसेज करती, किसी ठीक है। से इनकार नहीं था। उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनका ड्राइवर, उनका गार्ड, सबके फोन बंद थे। तो मुझे पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी नहीं है, इसका ऐसे नाम लगाया हुआ है। और आपको पता है कि 3 घंटे तक 4 घंटे तक वो कैमरे ऑन रहे कि जी अब वो आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं, वो जस्ट डिले टैक्टिक्स के जितने बाकी वर्कर्स जो है वो भी डिस्पर्स हो जाए। और मुझे पता था कि इमरान उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। नहीं तो एक और भी बीच में ये बात आई कि खान साहब की तरफ से ये कह दिया गया है और लीडरशिप भी ये चाहती है, बल्कि बैरिस्टर सैफ ने ये बात कही कि हमारी खान साहब से बात हुई थी, संजानी के मुकाम के ऊपर जो है वो धरना देने की बात हो गई थी कि वहां पे दे दिया जाए, लेकिन सिर्फ बुशरा बीबी जो है वो नहीं मानी, इस बारे में आपकी कोई बात हुई उनसे? ये जो बैरिस्टर सैफ हैं मुझे नहीं समझ आती किसकी जबान बोलते हैं। बैरिस्टर सैफ को किसने कहा था कि ये और बहुत साहब दूसरों का मैसेज लेके खान साहब के पास जाएं, जबकि खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया, इमामा को भी बता दिया कि क्या होना है। और वो ये था कि टी चौक में आपने धरना देना है और मुजाकरात अगर आपने करने हैं तो वो 4 कंडीशन थी जो खान साहब ने पहले बता दी थी कि आप उन्हीं पे करेंगे। तो फिर इनको किसने कहा कि ये जाके खान साहब को प्रेस अपॉन करें कि वो धरने की जगह जो है वो चेंज करें? तो इनको आपको क्या इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि कोई वीडियो पैगाम खान साहब का रिकॉर्ड करा के कोई दिखाया गया बुशरा बीबी को? नहीं, उन्होंने उनको बहुत कोशिश की कि खान साहब कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर दें, खान साहब ने रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो ये अब आपने ये इनके बारे में भी, बैरिस्टर सैफ के बारे में भी आपने कहा कि आपको नहीं पता ये किसकी जबान बोल रहे हैं अली जी, मुझे अमीन, पता है किसकी जबान बोल रहे हैं, वो पीटीआई की जबान हो या खान साहब की जबान ही बोल रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई के सारे लोगों की जबान बोल रहे हैं इनके और खान साहब बैरिस्टर सैफ के ऊपर जो है वो और भी लोगों ने इसका शक का इजहार किया, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती ये किस तरह हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, जबान वो किसी और की बोले, ये तो फिर पूरे के पूरे सेटअप के ऊपर सवाल उठ जाता है जो आपका एक सूबे के अंदर मौजूद है। ये क्वेश्चन जो है ये अली अमीन साहब से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो आप उनको जरूर पूछें क्योंकि इस चीज की मुझे और बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती। मरियम साहब, मैं आपकी आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं, लेट मी एडमिट दिस ऑन एयर, कि मेरे जहन में ये इमेज था, बल्कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के सामने ये इमेज बना है पिछले 48 से 72 घंटे में कि बुशरा बीबी इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद एक नई लीडरशिप के तौर पर वो इमर्ज होकर आई है और खान साहब के गैर मौजूदगी में वही शायद पार्टी को अब लीड करना शुरू करेंगे, लेकिन पिछले 10-15 मिनट में जो आपने गुफ्तगू की है वो मुझे बड़ी एक हेल्पलेस, एक वीक खातून लग रही है जिनको मुख्तलिफ लोग जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक्सप्रेस भी नहीं करने दे रहे जिस तरह वो एक्सप्रेस करना चाह रही है, इज दैट करेक्ट? वीक खातून वो माशाल्लाह नहीं है, जिसमें ईमान की ताकत होती है मंसूर साहब, वो कभी इंसान वीक नहीं होता।
मरियम साहब, इस सारी चीज़ के बाद अब आज अभी ये खबर भी आई कि 8 मुख्तलिफ मुकदमात में दरख्वास्त जमानत जो खान साहब ने दी हुई थी आज वो भी रिजेक्ट हो गई है। अब आपको लगता है कि आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते जो है वो इस सारी चीज़ के बाद, इस 24 घंटे पहले जो भी एपिसोड हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए या बुशरा बीबी के लिए मजीद मुश्किल ला सकते हैं? करने दें, ये अल्टीमेटली इट्स ऑलवेज अ बैटल ऑफ इवन एंड गुड, हमेशा से जब से दुनिया बनी है चली आ रही है, लेकिन हमारा अल्टीमेट फेथ ये है कि जो राय हक के होता है, रब के साथ होता है, तो अल्टीमेटली जो भी है इस दुनिया में आखिरत में जीत जो है वो हक की होती है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो देखी, बुशरा बीबी की सिस्टर ने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए नहीं की क्योंकि वो धरने में रुकना चाहती थी, और बुशरा बीबी की सिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अली अमीन गंडापुर ये कहेगा कि उसने इसलिए बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था। मगर कुछ भी हो, नाज़रीन, पीटीआई के अंदर कुछ आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान रहा हो। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपका क्या ख्याल है कि बुशरा बीबी जिस तरफ इशारा कर रही है क्या वो बातें दुरुस्त हैं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।